बागपत में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान को काले झंडे दिखाकर विरोध करने पहुंचे किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल यहां रमाला में कृषि कानून के समर्थन में बीजेपी की ओर से ग्राम पंचायत का आयोजन किया गया था। इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री पहुंच रहे थे। उधर हिरासत में लिए गए किसान नेताओं ने कहा कि वो केंद्रीय राज्य मंत्री से मिलकर गन्ना भुगतान से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सिंगाड़ा नाम है, नीरपुर से रहने वाले हैं। हमारे मंत्री जी आ रहे हैं आज। मंत्री हमारे क्या सबके है, बीजेपी लोकदल सपा में क्या मंत्री सबके है जो बन गए, तो हमारी परेशानी है गन्ने के पेमेंट की। तो मंत्री जी सोच रहे एक भाई यहाँ मिलकर नमस्ते कर ले और उनसे कह दे बच्चों मंत्री जी हमारे पेमेंट नहीं हो रहे, हमारे बच्चों की फीस नहीं जा रही, बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे, परेशानी बहुत आ रही, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, इसलिए रोक रही। बोले हाँ मंत्री जी तो तुम्हें मिलने नहीं देंगे, क्या हम नागरिक नहीं है जो मंत्री जी से मिलने नहीं देंगे? इतनी तानाशाही की सरकार होगी, पुलिस इतनी तानाशाही होगी किसी मंत्री से नहीं मिलने देगी? दर्शन राणा नाम है।